नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कई बार मुझसे दो अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। पहला तो लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं गाड़ी जो है वो अपनी चलती गाड़ी को मैं इंजन बंद कर दूं उसका। ठीक है, इसके पीछे मेन मकसद उनका ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि अगर डाउन हिल जा रहा हूं मैं या कहीं ऐसी जहां पे जगह है जहां पे गाड़ी काफ़ी देर तक बिना इंजन के सपोर्ट के चल सके, तो वहां पे अगर मैं इंजन बंद कर दूं तो क्या होगा। वो चीज़ मुझे बड़ी सताती है। दूसरी चीज़ जो है वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन होता है और वो ये कि कभी एकदम से चलती गाड़ी का अगर इंजन बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो मैं एक बेवकूफ़ी भरा कदम कहूँगा। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है इसलिए बता देता हूँ कि ये बेवकूफ़ी भरा कदम क्यों होता है। देखिए, गाड़ी जो है आपकी, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेंट वाला स्टीयरिंग है, साथ ही पावर असिस्टेंट ब्रेक्स है। अगर आप इंजन को करते हैं बंद तो अल्टरनेटर बंद हो जाता है। अल्टरनेटर बंद होने का मतलब है आपकी स्टीयरिंग और आपके ब्रेक की पावर जो है वो सिर्फ अब आपके पावर के डायरेक्टली जो है उस पर डिपेंड करेगी। कितनी पावर आप स्टीयरिंग पे लगा पाते हैं उस पर डिपेंड करेगी, यानी कि अब आपकी गाड़ी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा आपकी स्टीयरिंग और ब्रेक में। इस चीज के कारण क्या होगा, अगर आप कर रहे हैं स्पीड जैसे कि 50-60 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी को रोक के देखिएगा, आपका ब्रेक जो है वो काम नहीं करेगा। आपको एकदम से फील होगा कि ब्रेक फेल हो गए, लेकिन ब्रेक फेल नहीं हुए। दरअसल जो पावर आपको गाड़ी दे रही थी ब्रेक लगाते वक्त, आप ब्रेकिंग में सिर्फ जो है 25% की पावर लगा रहे थे, बची हुई 75% की पावर गाड़ी जो है आपकी इंडिकेशन पे लगा रही थी, तो वो पावर अब आपको मिल नहीं रही, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके ब्रेक फेल हो गए। उसके बाद आप चीज नोटिस करेंगे, आप स्टीयरिंग नहीं घुमा पा रहे, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है स्टीयरिंग को घुमाने में। इस चीज को मैं लाइव डेमोंस्ट्रेट करके बताता हूँ आपको, तब आप शायद समझ पाए। थोड़ी सी मैं स्पीड गेन कर लेता हूँ। अब देखिए, गाड़ी जो है मैंने स्पीड गेन की लगभग 30 के आसपास की। अब वैसे तो जो पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी है जैसे कि ये है, उसमें ये फीचर आता है कि एक बार से दबाने पे गाड़ी बंद होगी नहीं, लेकिन 2-3 बार दबाने पे बंद हो जाती है। देखिए, ये बंद हो गई। अब जो है कुछ एक सेकंड तक तो स्टीयरिंग अभी भी ठीक चल रहा है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, अब एकदम से पावर लूज हो गई है स्टीयरिंग में। ये देखिए, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है स्टीयरिंग मूव करने में। ब्रेक लगा के देखता हूँ मैं, मैंने ब्रेक प्रेस की है और अब मैंने पूरा जोर लगा रखा है ब्रेक का, लेकिन गाड़ी अभी भी रुक नहीं पाई है। अब जाके गाड़ी का स्टॉप हुआ है। तो ये चीज जो है दोस्तों वो बड़ी खतरनाक हो सकती है अगर आप सोच रहे हैं करने का सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए। ये 2-5 रुपए का फ्यूल बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी ठुक जाएगी और इंश्योरेंस के 1400 रुपए तो लग ही जाएंगे, बाकी उसके बाद जान का खतरा है। और हिली एरियाज में बिल्कुल भी ट्राई ना करें, बिल्कुल भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी का ब्रेक जो है वो अपने पार्किंग वाले हैंडब्रेक से लगा लूंगा, तो भूल जाइए। आपके हैंडब्रेक जो होते हैं वो ज्यादातर होते हैं ड्रम ब्रेक्स, और ड्रम ब्रेक्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक 10-20 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ी को भी रोक लें, तो ज्यादा स्पीड पे तो वो क्या रोक पाएंगे। तो कभी भी ऐसी बेवकूफी ना करें, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ जो लोग भी पूछते हैं। हाँ, अगर आपकी गाड़ी आपको लगता है कि चलती चलती बंद हो गई है, उस सिचुएशन में क्या करें, पैनिक ना करें। स्टीयरिंग जो है आप ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप घुमा सकते हैं, तो स्टीयरिंग पे ज्यादा ध्यान दें। ब्रेक को पुश ना करें, यूं पंप ना करें, कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर बनाए रखें और ज्यादा और जोर लगाते रहें, यानी कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करें उसमें। तो बस फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए हो, वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसी कोई ना कोई वीडियो लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।